फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया, कौन सा? रोशनी जी सुनिएगा, बहुत साधारण धुन और बहुत साधारण सा गीत, और क्या, कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं, सुनिए। 101 मुद्राएं सुमिरन डेंटल क्लिनिक लखन भैया के पास, 51 मुद्राएं महेंद्र क्लिनिक डॉक्टर महेंद्र बघेल जी आपकी तरफ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको मेरी तरफ से। के प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं, विदेशों तक आप देखे जाओगे, गुप्ता जी भी हैं कोई ये। तो कम से कम उत्तर प्रदेश की नाक ना कटाओ भैया मेरे। हाँ, देख लीजिए। हालांकि हम जान रहे हैं आप अपने आप नहीं कर रहे हैं, मशीन है, लेकिन इतना कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए। जो गीत सुनिएगा, प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं, तो इस पार हम तड़पे उस पार तुम तड़पो, प्यासे रहे दो दिल उस पार तुम तड़पो, हम जिए मरेंगे तो हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया दुनिया याद करे। बहुत देर तक समझाने की आवश्यकता नहीं है, इतने समझदार श्रोता बैठे हैं रोशनी जी, और ना बार बार धुन गाने की आवश्यकता है। फिल्मी टुकड़ा आप लोगों ने सुना है, बंबई वाले गा रहे हैं, हम जिए मरेंगे साथ के दुनिया याद करे, उनके गीत में याद करे, एक विषय आ रहा है याद करना। मैं अपने गीत में भी प्रयास कर रही हूँ कि चार बातें लाऊं और चारों बातों में कुछ याद आने वाली बातें आए, याद चारों बातों में। रोशनी जी सुनिएगा, राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हुआ। गांधर्व विवाह का मतलब, इस विवाह में कोई फेरे कोई बराती जनाती नहीं है, उनका विवाह अपने आप दोनों ने किया। उस गांधर्व विवाह में राजा दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी पहनाई और छोड़कर जाने लगे। शकुंतला ने कहा राजा से कि राजा स्वामी आप जा रहे हैं, आप
मुझे कैसे पाप आएंगे, मैं सोच सोच कर कहीं ऐसे ही ना रह जाऊं। राजा ने कहा हम लोग कुछ बंधनों में बंधे हैं रानी, ऐसा करो ये अंगूठी लो, मैं जा रहा हूँ, जब कभी ये अंगूठी लेकर तुम मेरे राज दरबार में आ जाओगी और ये अंगूठी दिखा दोगी तो मैं जान जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। रोशनी जी ध्यान से सुनिएगा, रानी यानी शकुंतला अंगूठी लेकर राजा की आंख में खोई है। एक दिन दुर्वासा ऋषि सामने से निकले और उस नारी ने यानी शकुंतला ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा जा जा नारी, तू जिसको याद कर रही है वही तुझे भूल जाएगा, वही भूल जाएगा। और देखते ही देखते वो अंगूठी जो निशानी थी वो पानी में गिर गई। उसको एक मछली निगल गई। इधर रानी परेशान है और तब तक इतने समय के अंतराल में एक पुत्र भी हो गया है जिसका नाम है भरत। उसी भरत के नाम से ही हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा है, ये वही भरत है। रानी ने सोचा अंगूठी तो नहीं है, पुत्र भरत को लेकर जाऊं और राजा को याद दिलाऊं। अब जब पहुंची तो राजा ने कहा तू कौन? रानी ने कहा, शकुंतला ने कहा मैं आपकी पत्नी शकुंतला। राजा ने कहा कोई निशानी हो तो बता, मैं कैसे मान लूं तू मेरी पत्नी है? तो देखिए रानी ने कहा याद करिए स्वामी, के अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे, अपना लो मुझको देवी ये वचन सुनाए थे, तो जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी हम दोनों ने, के जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी, और निशानी रूप ने तुमने मुझे मुंदरी पहनाई थी। राजा ने कहा दिखा कहाँ है अंगूठी? रानी ने कहा वो तो नहीं है। तो राजा ने कहा मैं कैसे मानूं? तो उस रानी ने यानी शकुंतला ने पुत्र भरत को आगे बढ़ाकर कहा कि महाराज कि ये दी तुमने संता, बहुआ नहीं पाली है। राजा ने जब मना किया तो रानी ने पुत्र भरत को आगे बढ़ाकर कहा सुनिए महाराज कि ये दी तुमने संतान, क्या तुम्हें याद नहीं कि ये दी तुमने संतान, क्या तुम्हें याद नहीं, ओ अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें रोशनी जी बस गीत में है, कोई किसी को याद दिला रहा है और जो भूल गया है उसको याद आ रहा है। जब शकुंतला ने याद दिलाया और वो मछली जो निगल गई थी मुद्री वो एक मछुआरा लेकर आया तो राजा को याद आ गया। अब दूसरी जगह देखिए कौन भूल रहा है और कौन याद दिला रहा है। और कथा को समझते रहिए, सीता जी का हरण हो गया है, रामादल के सारे वानर भालू टुकड़ियों में बैठकर सलाह विचार विमर्श कर रहे हैं। कोई कह रहा है मैं सीता का पता लगाने के लिए 10 योजन जा सकता हूँ, कोई कह रहा है मैं 20, कोई 30। हनुमान चुपचाप बैठे हैं, हनुमान कुछ नहीं बोल रहे। जामवंत बड़ी देर सोचते रहे कि हनुमान नहीं बोल रहे, इतनी बड़ी बात हो गई। तो जामवंत जी ने हनुमान से कहा कि हे हनुमान याद करिए, दिनकर को लीला तो इंद्र ने वज्र चलाया था, आपने सूर्य को जब निगल लिया तो इंद्र देवता ने आपकी ठोड़ी पर वज्र मारा, और इसी वज्र को
जब इसकी चोट लगी तो हनुमाने थोड़ी होती है ये टेढ़ी हो गई और आपका नाम हनु धनुमान हनुमान पड़ गया। तो दिनकर को लीला तो इंद्र ने वज्र चलाया था और देवों के द्वारा तुमने अतुलित बल पाया था, लेकिन नादानी से मुनियों को जब ताप दिया था, एक बार आपने नादानी से मुनियों को जब ताप दिया था तो बल भूल जाओगे, मुनियों ने ये श्राप दिया था। आपको श्राप दिया था मुनियों ने कि हनुमान आप अपना बल भूल जाओगे, लेकिन आज ये जामवंत याद दिला रहे हैं। तो देवों से मिले तुम हो वीर बलि हनुमान क्या तुम्हें याद हनुमान को अपना बल याद आ गया। हनुमान गरज कर उठे, कहने लगे हे राम, राम हे प्रभु हे स्वामी, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो सीता जी का पता लगाना, क्या मैं रावण को मसल डालूं, लंका को जला डालूं। शाबाश शाबाश, उनको अपना बल याद आ गया। ये है अब तीसरी बात, मैं ध्यान चाहूंगी आपका रोशनी जी, हालांकि आप सुन रही हैं, फिर भी हमारे शिवानंद भैया से कह रही हूँ सुनिएगा। महाभारत का युद्ध समाप्त तो हो गया, धृतराष्ट्र के 100 लाल मार दिए गए। एक बार धृतराष्ट्र बैठे हैं और रो रहे हैं, आंखों से आंसू चल रहे हैं, बगल में वेद व्यास जी बैठे हैं। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मेरे तो नेत्रहीन, मैं नेत्रहीन हूँ, आंखों से पाप होते हैं, मेरी तो नजर ही नहीं पड़ती, मैं पाप क्या करूंगा, आखिर मुझसे ऐसे कौन से पाप हो गए जो एक नहीं मेरे 100 पुत्र मार दिए गए। व्यास जी बगल में बैठे हैं, व्यास जी ने कहा धृतराष्ट्र सुनिए हम बताते हैं और याद करिए, हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था, बेटा जियो मेरे लाल, हजारी उम्र के हो जाओ। देखिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र को याद दिलाया, भैया इसको कम ना करो, सीटी ज्यादा हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। हेलो तमाम ढोलक वालों को पी लिया हो गई इधर। हेलो बढ़ाओ इसको भैया। हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था, क्रौंच पक्षियों का जोड़ा आया और पेड़ पर बैठा था। हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था, 100 अंडों को जोड़े ने वहां उपजाया था, उन पक्षियों ने 100 अंडे दिए, अंडे दिए तो सीटी बजने लगी। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, हेलो देखो सुनाई दे रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वापसी। हेलो जैसा बोल रहा है वैसा कर दीजिए। हेलो और बढ़ाइए। हेलो हेलो हेलो, बस इतने में हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे पीछे। हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था, 100 अंडे के 100 अंडों को जोड़े ने वहां उपजाया था। आप करें मैंने पाप क्या किया कि मेरे 100 पुत्र मारे गए, तो सुनिए, अंडों को रसोइये ने,
हड्डों का रसोइये ने पकवान बनाया था और प्रतिदिन एक एक अंडे को तब तुमने खाया था। क्या बात है बेटे, रोज एक अंडा आपने खाया तो 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है। 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं और 100 बच्चों की ली जान क्या तुम्हें याद दिलाया कि जब तुमने किसी के 100 बच्चे खा डाले तो तुम्हारी औलादें कैसे बचेंगी। और ईश्वर हर चीज का बदला यहीं पर देता है। कलयुग की बात कर रही हूँ और कलयुग में देखिए मैं क्या लाने का प्रयास कर रही हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी सुनेंगे और यहाँ से वहां तक जितने भी भैया लोग हैं अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंच जाए, अभी तक मैंने नहीं कहा, आप अपने आप तालियां दे रहे हैं, लेकिन मेरी पंक्ति अच्छी लग जाए, अंतिम पंक्ति, तो शायद आपकी तालियां बिना कहे मिलेंगी। पहले सुनिए, कहना है उस पापी पाकिस्तान के लिए, यह पाकिस्तान अपनी मतदान, अपनी मतदान, क्योंकि हमारे भारत के वीर कहते हैं कि यह पाकिस्तान क्षमा दया छोड़ो भाषा बोलो औलादों की। भैया क्षमा दया छोड़ो भाषा बोलो औलादों की, खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की, और भूल भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते पागल हो जाए तो फिर गोली मारी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी इसने भरी तालियों के लिए। लेकिन रोशनी जी देखिए, याद नहीं ये कौन कह रहा है, समझो। हमारे मोनू भैया की तरफ से 101 मुद्राएं इस शेर पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये शेर उन पाकिस्तानी गीदड़ों के लिए, कहना है यह पाकिस्तान के पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था, के पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था और पीठ दिखा कर भागा तू और मुंह की खाया था, तो आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, और तू मार खा कर भी सदा भूल जाता है। हमारे संचालक महोदय जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं। तो भारतीयों ने, वीरों ने कहा कि ये पाकिस्तान, कि ये भारत देश महान, ये भारत देश महान क्या तुझे याद नहीं, ऐ पाकिस्तान, कि ये भारत देश महान क्या तुझे याद नहीं, और तेरा बाप है हिंदुस्तान क्या तुझे। तेरा बाप है हिंदुस्तान।